पापा की मेडिकल की रिपोर्ट आ गई थी, तो आइए की जर्नी आप चलें। पासपोर्ट आ गया, फिर मेडिकल भी आ गया, फिर हमने उनको दोनों चीज़ें स्कैन करके दी, तो फिर हमारा उन्होंने वीज़ा लगवाया, तो वीज़ा आया हमारा 15-16 दिन में हमारा वीज़ा आ गया था। फिर हमने शुरू करी पैकिंग करना। जिस दिन का इंतज़ार था वो आ चुका है। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे पानी वाले दाने हो रहे हैं, ये पूरी नाक भी हो रहे हैं, किसी की एलर्जी लग गई है मुझे, और एक यहाँ पे हो रहा है, ये वाला तो अभी फट गया है, और यहाँ पे हो रहा है। मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, इंजेक्शन भी लगवा रहा हूँ और दवाइयाँ भी ले रहा हूँ। दो दिन से मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं और ये अब सही होने लग गए हैं। चलो इस बात को करिएगा इग्नोर, मैं आपको जो रियल बात है वो बताता हूँ। जो जिस दिन का हमें इंतज़ार था ना वो आ चुका है। पापा का जो वीज़ा है ना वो अंकल ने स्कैन करके हमारे मोबाइल में भेज दिया है, और हमने पापा की पूरी पैकिंग कर भी ली है। जो पैकिंग है ना, हमने पापा की पैंटे शर्टे पूरी पैकिंग कर लिया। चलें आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसा सामान लिया है पापा के लिए और क्या क्या चीज़ें ली हैं। हमारा बैग आ चुका है, ये हमारा बैग है, ये अभी इसकी फिल्म करते हैं। आराम आराम से करो, ख़राब हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे बैग रखे हैं। नहीं, नहीं, सही वीडियो में तो पूरा आप ही आ जा रहे हो। ये हमने खोल लिया बैग, ये हमारा बैग खोल लिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पापा की चप्पलों से। हमने तो पापा की चप्पलें ली ना, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, अचानक से वीज़ा आ गया है, तो जल्दी जल्दी पैकिंग करनी है। मैंने बता दिया कि वीज़ा आ चुका है, अचानक से आए, इतने दिनों से वेट कर रहे थे। पापा के लिए ये वाली चप्पलें, हम ये वाली चप्पलें रख रहे हैं। हमारे पापा की एक चप्पल है, इसको हम रख देते हैं इस वाले साइड पर। मैं डब्बे के साथ रखूँ? हाँ, डब्बे के साथ रख देते हैं ना, जगह तो बहुत है। बिना डब्बों के, कई डब्बों के साथ पापा ने मना कर दिया, बोले वहाँ पर सारा सामान खुले आएगा। तो ये देख लें, ये डब्बा डाल देते हैं, डब्बे के बगैर हम रख देते हैं इसको ऐसे। ये हमारे पापा की चप्पल हो गई, इसको ऐसे करके रख देते हैं। ये पहली चप्पल आ गई, और ये आ गई हमारे पापा की, ये आ गई हमारे पापा की किट, ये आ गई हमारे पापा की। ये तो ऐसे रख दो, पतला सा डब्बा है। ये आ गई हमारे पापा की किटो, ये ऐसे रख दो, पतला सा रख दे, पतला डब्बा है ना। शॉपिंग कर लिया हम लोगों ने पापा की। ये आ गई हमारे पापा की किटो, और यहाँ पे हमारी आ गई पापा की एक कोल्हापुरी। यहाँ पे पापा ने एक कोल्हापुरी ली है, देखिए कितनी प्यारी कोल्हापुरी। हमने चप्पल हमने पापा के लिए पसंद करिए, ये हमारे पापा ने लिए एक कोल्हापुरी। रख देते हैं इसको भी, डब्बे के बगैर ही मम्मा सही है, डब्बे के बगैर ही रख। नहीं, पतले पतले साइडों में घुस जाएंगे। चलो पहले कपड़े रखने शुरू करो। बगैर रखने वाली हमने हटा दी क्योंकि पापा वो एयरपोर्ट बन के जाएंगे। अभी हम ये वाली दोनों रख देते हैं, किटो और अपनी कोल्हापुरी। ये दोनों चप्पल हमने यहाँ पे रखी है, रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये दोनों हमने चप्पल रखी है, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पापा के कपड़ों से। सबसे पहले हम पैंटे और शर्टें रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे, ये हमारे पापा का ट्राउज़र है, पापा ने हमारे चड्डा लिए, ट्राउज़र लिए शॉर्ट, ये शॉर्ट है, और ये हमारे पापा का है ट्राउज़र। ये हमारे पापा ने ट्राउज़र लिए, ये भी रख देते हैं अच्छे से, ये भी रख देते हैं। बेल्ट को निकाल देते हैं क्योंकि आज हमें बेल्ट लगाना है, ये भी बेल्ट को ऊपर कर लूँ। ये हमने रख दिया अपने पापा का ट्राउज़र भी रख दिया है हमने। और अब हमारे पापा की आती है जीन्स। हमने दो दो जीन्स लिए, ये पहली जीन्स है, ये डार्क ब्लू है, ये हमने अपने
पापा की जींस रखती है। और फिर यहाँ एक जींस पापा पहन के जाएंगे एयरपोर्ट, वो हमने अलग कर दी है। ये है हमारे पापा की कोट पैंट, ये हमने ये वाली भी ड्रेस पहनी और ये भी आ गई है वहाँ कैफेटेरिया में पहने। ये दूसरी ड्रेस पहने और कैफेटेरिया की शर्ट ना अंकल ही देंगे। ये तीसरी पैंट आ गई हमारी। और हम आप रख देते हैं अपने पापा की कुर्ता शलवार। ये हमारा पहला कुर्ता शलवार है, ये हमने देखे यहाँ पे रख दिया है। और ये हमारा दूसरा कुर्ता शलवार है, ये भी हमने यहाँ रख दिया है। अब हम बनाते हैं कुर्ते शलवार की दूसरी लाइन यहाँ पे। और यहाँ कुर्ते शलवार रखे हैं, यहाँ पे हमने ये दूसरी लाइन बना दी अपने पापा की। ये हम ये दूसरा कुर्ता शलवार है, हमने टोटल चार कुर्ता शलवार रखे हैं अपने पापा के लिए। और यहाँ पे आती है टी शर्ट की बारी, तो सबसे पहले हमारी आती है वाइट टी शर्ट। सबसे पहले हमने वाइट टी शर्ट रख ली, यहाँ पे वाइट टी शर्ट सेट कर दी। फिर हमारे पास आ जाती है ये ब्लैक टी शर्ट, ये यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे रख देते हैं। और फिर आ जाती है हमारी ये वाली टी शर्ट, ये वाली टी शर्ट खाती है। और हमने लिए है अब ये वाली टी शर्ट, ये एक और टी शर्ट है। और ये हमने ये एक ये वाली टी शर्ट ली है, ग्रे कलर है, ग्रे कलर की। और ये हमने लिए एक ब्लैक कलर की टी शर्ट, ये वाली भी रख देते हैं। और ये हमने लिए है ब्लैक कलर की एक और टी शर्ट, ये भी रख दो। और ये हमने ये वाली टी शर्ट ली, ये भी रख दो। और है और सबसे पहले पापा की मशीन रखी जाएगी, ये पापा की मशीन आ गई बाल काटने वाली, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे आ गए हैं पापा की जानामास, तो जानामास हम यहाँ रख देते हैं पापा की। नहीं मशीन के ऊपर रखो, सारा मशीन पर नहीं रखो। नहीं मामा पैक हो जाएगा ना। चलो नहीं मशीन के ऊपर रख दो, सही से पैकिंग करो। अभी इनको करने दो, इनको बहुत शौक हो रहा है पैकिंग करने का। और यहाँ पे हमारे पापा ने बैल लिया है, बैल को रख देते हैं यहाँ पे। बैल ले लिया और इसको दिखाते हैं, इसको भी रख दो। और ये यहाँ पे हमारे पापा की कोई ज़रूरत की सामान है, कैंची वगैरह, मिनकटे वगैरह और बहुत ज़रूरत की सामान है, इसको भी यहाँ रख देते हैं। अब देखिए भैया यहाँ पे हमने पापा के लिए साबुन दिए, एक ये बड़ा वाला पैकेट, और ये इसको हम रखेंगे ऊपर, एक और रख दिया। और ये यहाँ पे एक टूथ ब्रश आ गया, इसके अंदर एक टूथ ब्रश है और टूथपेस्ट है। और यहाँ पे एक टूथ ब्रश है, वो यहाँ पे रख देते हैं। और ये पापा ने दो परफ्यूम्स लिए, ये वाले पापा ज़्यादा परफ्यूम्स लगाते नहीं है, जब ये पापा को हमने दो ही परफ्यूम दिए हैं सिर्फ, कि वो लगा लें। इसको भी रख देते हैं यहाँ, बंद कर देते हैं। हो गई पैकिंग? हाँ हो गई। डन हो गई। अब चलो बेल्ट बेल्ट लगा दो उसका। बेल्ट बेल्ट भी लगाते हैं, आप भी तुम लगा देते हैं। अब आइए हमारे पापा का पैक करने का सामान, यहाँ रख, ये रख, इसको यहाँ पर रखते हैं, इस वाली तरफ से भी बेल्ट निकालते हैं। चलो बैल लगाने की बारी आ गई है, सारा सामान हमने पैक कर दिया है। यहाँ पे हम बैल लगा रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनको बैल लगाना नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसा बैल है, इसलिए उनके बाबा हेल्प कर रहे हैं। हो गया, चलो ये सारा सामान हमने इसमें रख दिया है, इसमें लगा बहुत।
अर्जेंट में वीजा आए इसलिए अर्जेंट अर्जेंट सारा काम करना पड़ रहा है। और ये कुछ चीज रह गई तो फिर ताला तो देख सकते हैं आप कितना छोटा है, क्योंकि जिप का वही छोटा है, हमने पहले बड़ा लिया था। ऐसे ही लगते हैं, यही लगते हैं। चलो अब पहले ताला लगा देते हैं। तो हमने बोला रात में बैठ के भाई पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ इनका कि कब की फ्लाइट है। जैसे ही होगा वो भी आपको बता देंगे। ये हम लगाने वाले हैं अपना ताला, और ये हमने लगा दिया है, ये चुन्नू सा ताला। ये हमारा ताला हो चुका है रेडी, और हमारा बैग भी हमने पूरा रेडी कर दिया है। पापा का बैग भी पूरा हमने रेडी कर दिया, और अब इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। वो तेरी तेरी काम गई हुआ थी, मुझे नहीं पता आपने रखी थी नीचे ही देखी। पैकिंग हो चुकी है, डन। पैकिंग करने वाली ही रात को हुसैन अंकल आए, और फिर पापा आए, फिर पापा गए एजेंट के पास। एजेंट के पास जाके पापा ने टिकट करा। टिकट करने के बाद उसकी एक दिन बाद फ्लाइट थी, और हमें एक दिन में पीर वाले दिन हमें वो भी करवाना था, क्या नाम है, पासपोर्ट प्रोटेक्टर होने भी जाना था। उसमें भी टाइम लगता है, अगर हमें हाथ के हाथ मिल गया था तो। उसी के बाद हमारे पापा की फ़्लाइट थी रात को। फाइनली हमारे पापा का टिकट भी आ चुका है, और सारा आज रात की फ़्लाइट है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला बैग भी, बड़ा बैग भी पैक हो गया है, और ये वाला बैग भी पैक हो गया, और ये जिसमें पापा के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने अपने पापा का मोबाइल ये वाला सही करवा लिया है, इसका पैनल हमने फिर से लगवा लिया है। हमने पैनल लगवा के इसकी प्रोटेक्टर भी लगा दिया, और बैग पे ये वाला लगवाया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पापा का सूट कुछ ऐसा है, ब्लू कलर की पापा की हमने टी शर्ट ली है एयरपोर्ट जाने के लिए, और यहाँ पे ये वाली पैंट जीन्स निकाली है मम्मा ने, और ये वाली चप्पल पहन के जाएंगे, और मैं पापा का ही मैचिंग के पहन के जाऊँगा। मैं भी ब्लू पहनूंगा, पापा भी ब्लू पहनेंगे। जल्दी से हम आपको मिलते हैं रेडी होके। यहाँ पे आहान भी आ चुके हैं, और पापा ने पहन ली है पैंट शर्ट। देखिए पापा कितने अच्छे लग रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा पापा को पैंट शर्ट में। पापा रेडी हो चुके हैं, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। आहान लोग की कारवान आ चुके हैं, आहान लोग की न्यू कार ली है, हम इसमें जाएंगे। जी भाई, ये आहान लोग की गाड़ी आ गई, ये आहान लोग की गाड़ी आ गई, और ये बिलाल अंकल की हैरूफ आ गई। हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, एक कारवान और हैरूफ। पापा का लगेज रखा जा रहा है, उसे रंग रखे हैं, और आप सब आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बैठ गए, रोज भी जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बैठ गए, और यहाँ पे पीछे ही बैठ गए, और दादा भी आ चुके हैं, और दादी भी आ चुकी हैं, और मैं यहाँ पे पीछे बैठा हूँ। हम लोग कारवान में आहान बीच में बैठे हुए, अभी हम जा रहे हैं, उसमें भी बैठ गए, हैरूफ में भी बैठ गए। हम लोग एयरपोर्ट पे इंटर हो चुके हैं, हमारी नानी के घर से एयरपोर्ट तो दूर नहीं है। अभी हम इंटर हो चुके हैं एयरपोर्ट पे, पीछे हमारी हैरूफ भी आई हुई है। यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे इंटर हो चुके हैं, अभी हम एयरपोर्ट इंटर हो चुके हैं, हमारी हैरूफ भी आ चुकी है। सब आ गए हैं एयरपोर्ट, हमारी हैरूफ भी आ गई है, पापा भी आ गए हैं, पापा अपना बैग पहन रहे हैं। सुवानी लगेज लेके जा रहे हैं, चले गए सुवानी तो चले गया, अब हम भी उसके साथ ही चलते हैं। यहाँ पे अभी एयरपोर्ट पे हम इंटर हो चुके हैं, एयरपोर्ट में इतना रश हो रहा है। यहाँ पे पापा आ चुके हैं, पापा जा रहे हैं, पापा ने अपना बैग भी तो उन्होंने टांग लिया। अभी हम एक्सीलेटर से जा रहे हैं, इतना रश है, बहुत रश है। और हाँ कितना रश है, बहुत रश है भाई। हाँ आज की फ्लाइट आ रही है, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं एक्सीलेटर से। यहाँ पे हम ऊपर के एरिया में आ चुके हैं, तो हो गए पापा की 4 बजे, पापा अंदर चले जाएंगे। हमारे पापा इस बस में बैठ गए, वो जा रहे, वो देखो अभी वो किसी और का जा रहा है। पापा के जाने में 10 मिनट रह गए। यहाँ पे यहाँ कहाँ से जाएंगे आनी, यहाँ से जाएंगे, उधर से जाएंगे, वहाँ से चेकिंग हो रही है। बस 10 मिनट रह गए, 10-15 मिनट रह गए। मम्मा रोने लग गई थी, आप ही भी रोने लग गई थी। मैं मेरे आंसू निकलने वाले थे, पापा ने बोला नहीं तुम नहीं रोना,
बोर्डिंग करवा रहे हैं। पापा जा रहे हैं, बस जाने का टाइम हो गया। मम्मा वगैरह सब रो रही हैं, दादी भी रो रही हैं, बहन भी रो रही है, सब रो रहे हैं। पापा बस जा रहे हैं, पापा की भी आंखों में आंसू हैं। जा रहे बस पापा। जा रहे बाबा, दोस्त का बाबा भी जा रहे हैं। पापा के भी आंखों में रोस है, मैं भी रो गया पापा से, वीडियो नहीं बना सका रोते वक्त की। पापा जा रहे, चले गए। वो जा रहे, मगर मैं कुछ ज्यादा ही रोने लग गया था। हमारी पापा को छोड़ के वापसी हो रही है एयरपोर्ट से। सब बैठे में दादा दादी भी बैठे में, दादी सब बैठे में। अब पापा को छोड़ के जा रहे हैं हम। पापा को छोड़ के आके यहाँ पे हम लोग को पराठे बना रहे हैं, पराठे खा रहे हैं अपने कोइटा महफिल। यहाँ पे आए हुए अपने होटल पे। अभी आहान का हाफ फ्राई आ चुका है पराठा। मैंने बीच में उंगली मारी है। मैं तो हाफ फ्राई नहीं खा सकता, मेरे दाने आग तो उड़ गया। यहाँ पे सुबह हो चुकी है, यहाँ पे सब खड़े हैं, सब ने चाय वाय। जहाज में बैठने के लिए मेरा जहाज खड़ा आपको बड़ा सा अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ब्लॉग पूरा देख के जाएं। अल्लाह हाफिज़।